हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक इट अप विद रीमा। तो मैं सोच रही थी आप लोगों के लिए एक डेली रूटीन वाला ब्लॉग शेयर करूं कि मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूं। तो मैं यहां पे सुबह उठ गई हूं और मैं उठते उठते 10:30 हो ही जाता है क्योंकि रात को मैं थोड़ा सा लेट ही सोती हूँ, वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ उसके बाद ही सोना होता है। तो फर्स्ट काम मेरा रहता है स्टूडियो में जाके स्टूडियो को क्लीन करना क्योंकि मेरे स्टूडेंट लोग आ जाती है 11 बजे, तो मुझे फर्स्टली जाके स्टूडियो क्लीन करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे मैंने पूरा दिखाया कि मेरा स्टूडियो अच्छे से क्लीन हो गया। और स्टूडियो क्लीन करने के बाद मैं चली जाती हूँ थोड़ा सा बाहर क्योंकि ये सुबह वाला व्यू जो होता है, सुबह तो नहीं था, 10:30 बज रहा था, लेकिन बारिश के मौसम का जो ये व्यू होता है ये मैं हर डेली मिस कर देती हूँ। तो मैं ब्रश करते करते थोड़ी सी चली गई थी बाहर और बगल में ही हम लोग का एक मंदिर है तो मंदिर के सामने जाके थोड़ा सा रुकती हूँ क्योंकि इसके बाद तो मैं सुबह वाला व्यू नहीं देख पाऊँगी क्योंकि क्लास मेरा 11 बजे से एकदम 5 बजे तक का है। और मैं आप लोगों के साथ ये ब्लॉग इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा मेरे लाइफस्टाइल के बारे में भी जाने कि मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ। और ऐसा टाइप का ब्लॉग मैं फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। तो मैं वो बाहर से आके झटपट मैंने नहा लिया था क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था और ऑलरेडी एक स्टूडेंट आ गई थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं गोपू को उठा रही थी नींद से और उसका सुबह वाला ब्रेकफास्ट दे रही थी। ये गोपू मेरे बगल वाला आंटी का है जो कि अभी कोलकाता गया है, तो उनका गोपू को किसी और के पास छोड़ के जाना पड़ता है, अकेले उनको नहीं रख सकते तो वो ट्रैवल पे नहीं लेके जा सकती थी, इसलिए हमारे पास छोड़ के गया था। और ये देखिए गाइस, ये हम लोग का नया भगवान का रूम है, इसका टूर भी मैं आप लोगों को करवाऊँगी क्योंकि हमारा गोपू भी बहुत जल्दी आने वाला है। और कहाँ से आएगा इसका पूरा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आगे कुछ दिन में ही आएगा तो इसलिए मैंने ये भगवान का घर भी बनाया, इसका भी मैं टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गोपू को खाना दे दिया है, मैंने चॉकलेट दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी स्टूडियो और देख सकते हैं पीछे स्टूडेंट आ गई थी और मैं फटाफट स्किन केयर कर रही थी क्योंकि गाइस स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर के बिना कभी भी कहीं भी मत निकलो। जितना अच्छा स्किन केयर होगा मेकअप भी उतना अच्छा बैठता है। और मेरी स्किन पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है क्योंकि एक तो मेरा सेंसिटिव स्किन है और बहुत पिम्पल प्रॉब्लम है मेरा। और ये मैं पी रही थी कुर्थी कलाई का पानी बोलते हैं इसको क्योंकि मेरा एक स्टोन हुआ है तो उसकी वजह से ये पानी पीना बहुत अच्छा होता है। और उसके वजह से थोड़ा सा मेरा डाइट भी हेल्दी हो गया अभी। और देखिए मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट लेके आ रही थी धीरे धीरे क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करने का एकदम टाइम नहीं मिलता है। और मैं यहाँ पे फटाफट स्किन केयर कर रही थी, मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। फिर देखिए यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन भी अप्लाई किया था, मैं जितना भी रूम के अंदर रहूँ और बाहर रहूँ मुझे सनस्क्रीन अप्लाई करना ही है। अगर आप लोग कहीं भी जा रहे तो ऑब्वियस सनस्क्रीन आप लोग अप्लाई कीजिए। सुबह उठ के मुझे मेरे पीछे सिर्फ इतना सा ही टाइम मिलता है क्योंकि मैं बहुत लेट से उठती हूँ तो मेरा 10 बज जाता है उठते उठते, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है हर दिन 10 बज जाता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिप टिंट लगाया था, लिप टिंट लगा के मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। हम लोग मेकअप आर्टिस्ट जितना भी कम करें ना हम लोग को लगता है कि हुआ ही नहीं है, थोड़ा सा भी हो तो नहीं चलता, लगता है कि और थोड़ा सा कर लेते। जो भी हो खुद का सेल्फ केयर करना बहुत अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर कीजिए। और आप लोग को अगर मेरा स्किन केयर रूटीन का वीडियो चाहिए तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। अगर कोई भी क्वेरी है आप लोगों का स्किन केयर रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और मम्मी यहाँ पे मुझे दे के गई थी आलमंड भीगा हुआ जो मैं हर सुबह खाती हूँ और उसके साथ मैं थोड़ा सा ब्लश भी लगा रही थी क्योंकि मुंह बड़ा फीका लग रहा था। और स्टूडेंट के साथ यहाँ पे बात करते करते मैं खा रही थी, फिर मम्मी ने लेके आ गया यहाँ पे, मम्मी अंडा भी दी थी मेरे को एक जो मैं सुबह खाती हूँ, सिर्फ बस यही था मेरा ब्रेकफास्ट। और मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, बहुत रेयर मैं शाम को पीती हूँ, सुबह नहीं पीती हूँ। उसके बाद स्टूडेंट सब आ गए थे, स्टूडेंट लोग बहुत दूर से आते हैं और वोट का टाइम था, यहाँ पे वोट चल रहा था इसलिए स्टूडेंट बहुत कम थे। जो भी आए थे उनको आज मैंने नेल एक्सटेंशन का क्लास करवाया था। फिर स्टूडेंट लोग यहाँ पे चली गई, मैं क्लास का ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दी हूँ। स्टूडेंट लोगों के साथ मैं भी थोड़ा सा बाहर निकल गई हूँ क्योंकि मम्मी का दवा लेने जाना था। और आप लोगों को पता ही है घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी शॉपिंग भी, तो मैं मम्मी का दवा लेने जा रही थी क्योंकि घर पर 2 ही आदमी हैं। बेसिक बात है कि बाहर का काम मुझे ही ज़्यादातर करना पड़ता है क्योंकि मैं घर का काम कम करती हूँ क्योंकि मेरे काम के वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मम्मी ही करती है। मैं दवा लेके घर आ गई हूँ और ये 3 बजे का वीडियो है। मैं यहाँ पे पॉपर वाला स्किन केयर कर रही हूँ, सुबह वाला तो वो मैंने सिर्फ क्रीम अप्लाई किया था, दोपहर को मैं ये वाला स्किन केयर करती हूँ। मैं दिन में 3 बार स्किन केयर करती ही हूँ, अलग अलग रूटीन होता है। आप लोगों को अगर चाहिए वीडियो फुल इसके ऊपर तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। तो मैंने यहाँ पे क्लिंजर लिया था क्लीन करने के लिए फेस को, उसके बाद मैंने एक फेस पैक यूज़ किया था। मैंने थोड़ा सा अपना स्किन केयर चेंज किया है क्योंकि मैं पहले दूसरा कंपनी का यूज़ करती थी, अभी मैंने डॉट एंड की में शिफ्ट किया है और
दो तीन दिन ही मैंने यूज़ किया और बहुत अच्छा ग्लो आया मेरे फेस में। और ये उसका पैक था, फेस पैक, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। दो दिन में मेरा सारा टैनिंग हटा दिया, मतलब जितना भी टैन वगैरह था, और इतना अच्छा मेरे स्किन पे शूट किया, जहाँ कि मेरा स्किन सेंसिटिव है, बहुत सारा प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं करता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों का कमेंट वगैरह पढ़ रही थी। आप लोग जो भी कमेंट करते हैं वो पढ़ के हंस रही थी। कभी कभी बहुत अच्छा कमेंट आ जाता है, जैसे मेरे फेसबुक पे बहुत अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा था, वही सब पढ़ के मैंने थोड़ा सा क्लीन किया, उसके बाद जाके मैंने फेस पैक रिमूव किया। आप लोगों ने अगर मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप लोग वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके वहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं वहाँ रेगुलर अपडेट देती रहती हूँ, हर सेकेंड का आप लोगों को वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। फेस पैक के बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पे टोनर, और टोनर के बाद ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ना गाइज, इसका मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आप लोग कौन कौन ये वाला मॉइस्चराइज़र ट्राई किए हैं तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा, जिन्होंने भी ट्राई किया, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है। ये विटामिन सी मॉइस्चराइज़र है डॉट एन की का। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिप बम लगाया, लिप बम लगा के मैं चली गई मम्मी को देखने कि मम्मी का हुआ कि नहीं। और ये देखिए मेरा पूजा का घर थोड़ा सा दिख रहा है, अभी भी इनकम्प्लीट है थोड़ा, मैं एक बार में टूर आप लोगों को दूंगी। तो और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्किन केयर दिखा रही थी कि स्किन कितना फ्रेश लग रहा है। स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम रहे उस अकॉर्डिंग आप लोग स्किन केयर कीजिए। और जिस दिन जल्दी मेरा क्लास हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि आज जल्दी हो गया था, तो मैं मम्मी के लिए वेट कर रही थी साथ में खाना खाने के लिए। और मुझे खाते वक्त एक चीज़ चाहिए, वो है कार्टून। मैं कार्टून के अलावा खा नहीं सकती हूँ, तो मम्मी और मैं एक साथ दोपहर को खा रही थी। मैं हर डेली तो नहीं खा पाती हूँ मम्मी के साथ, बहुत रेयर होता है क्योंकि क्लास रहता है। इसके बाद दीप का थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, मैं थोड़ा सा बात करते करते खा रही थी, फिर दीप भी चला गया घर, क्योंकि दीप दुकान से घर जा रहा था तो मुझे फ़ोन किया। और मैं यहाँ पे कार्टून देख रही थी, कार्टून देखते देखते मम्मी आ गई मेरे लिए ग्रीन टी लेके, जो कि मैं दोपहर को और रात को पीती हूँ खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे ग्रीन टी खाते खाते मम्मी से बात कर रही थी मैं, मम्मी दवाई के हिसाब बता रही थी कि कितना दिन चलेगा क्या नहीं ये वगैरह, तो चलता ही रहता है घर पे। फिर दीप ने थोड़ा सा वीडियो कॉल किया था दुकान से घर जाते वक्त, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो कॉल पे भी बात की, क्योंकि वो भी बेचारा बहुत काम करता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों को तो पता ही है, तो हम लोगों का ज़्यादा वहाँ पे बात भी नहीं होता है। और यहाँ पे मैं और मम्मी सोए सोए बात कर रहे थे, मम्मी थोड़ी देर में सो जाएगी, उसके बाद दीप ने फिर कॉल किया था और मम्मी यहाँ पे बात करते करते देख सकते हैं आप लोग सो गई है। फिर मैं यहाँ पे दीप के साथ बात कर रही थी, बात करते तो मेरा भी थोड़ा आँख लग गया था, लेकिन उतना देर में आ गया मेरा पार्सल का कॉल। और पार्सल आता है तो उसको खोलने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता, जितना भी आपको पता है कि अंदर क्या है, फिर भी वो जो अनबॉक्सिंग का जो मतलब अच्छा लगता है ना, वो चीज़ तो मैं शेयर करके नहीं बता सकती। तो यहाँ पे मैंने एक कुर्ता ऑर्डर किया था दीप के लिए, क्योंकि हम लोग रिसेंटली एक जगह जाने वाले हैं जहाँ मैं और दीप थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन को मैच कर रहे थे, और मैं यहाँ पे बोल रही थी कुर्ता ज़्यादा ही बड़ा आ गया, दीप का नहीं होगा। फिर हम लोग थोड़ा सा शाम को निकले थे मैं और मम्मी, हम लोगों को इलेक्ट्रिशियन का दुकान पे जाना था, क्योंकि जो भगवान का रूम बना है उसमें वायरिंग बाकी था, मैंने बोला ना इनकम्प्लीट है, तो सामान लेने गई थी मैं और मम्मी। और बाहर का वेदर देखिए एकदम बहुत अच्छा था, सिलीगुड़ी का बारिश ही चल रहा है, आप लोगों के वहाँ पे कैसा चल रहा है आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद शाम को मम्मी ने थोड़ा सा चाय बना के दिया, जो ब्लैक टी है। ब्लैक टी पीने के बाद मैं चली गई थी बगल वाली आंटी के घर, क्योंकि उनके घर में आया है नया नन्ना मुन्ना मेहमान, चलिए आप लोगों से मिलवाते हैं। तो ये था उनके घर का नया मेंबर गोपू, इनको लाने की खुशी में घर पे कीर्तन था और हम लोगों को रात पे वहीं पे इन्वाइट था। तो मैं और मम्मी वहीं पे रात का खाना कंप्लीट किए, और खाना कंप्लीट करके फिर हम लोग घर आ गए थे, और प्रसाद में बहुत कुछ मिला था, देख सकते मम्मी यहाँ पे हाथ जोड़ रही थी। फिर ये प्रसाद मिला था, मैंने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि पेट भरा हुआ ही था। उसके बाद मैं घर आके ग्रीन टी पिया, फिर मम्मी और मेरा काम किया, दोनों फ़ोन चलाएंगे, थोड़ा बहुत बात करेंगे, फ़ोन स्क्रॉल करेंगे। तो ये था मेरा डेली रूटीन। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट और ब्लॉग लेके आ रही हूँ ऐसा ही, और स्किन केयर के ऊपर चाहिए तो भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।